चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब में विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया। बड़ी खबर आपको बता रहा है, अजय माकन और हरीश चौधरी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। आज शाम विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे ये ऑब्जर्वर और प्रदेश प्रभारी। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर पंजाब कांग्रेस ने आज शाम 5 बजे बुलाई है विधायक दल की बैठक। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर इसमें बड़ा फैसला हो सकता है, तो ये एक जानकारी पंजाब से निकल कर आ रही। अजय माकन को और हरीश चौधरी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। अजय माकन की बात करें अगर, तो जिस तरह से राजस्थान में विवाद सुलझाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं यही वजह पंजाब की भी जिम्मेदारी दी गई। मनोहर विश्नोई हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ है। मनोहर, जिस तरह से राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, जो परफॉर्मेंस अजय माकन का रहा, हालांकि आम इन नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी तक बांध कर रखा है, क्या यही वजह है कि उन्हें जो है पंजाब की भी जिम्मेदारी दी गई? और हरीश चौधरी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण? देखिए अभिनव, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बार जो अपना दाव खेला है और जो वहां पर अचानक विधायक दल की बैठक बुला करके और वो कोई मुख्यमंत्री बदलने जैसे फैसले पर पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें खासतौर से अपने जो पसंदीदा लोग और अपने विश्वास पात्र लोगों को वहां पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है, उसमें अजय माकन भी शामिल है, हरीश चौधरी भी शामिल है, ऐसे लोगों को वहां भेज करके और वहां पर जो वस्तु स्थिति जान करके और आगे जिस तरीके से चुनाव में जाने वाले राज्य है पंजाब, वहां पर सही फैसला किया जाए, इसको लेकर के अपने विश्वस्त लोगों को वहां पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। और आज विधायक दल की शाम को जो 5 बजे बैठक होगी, उसमें जो जिस नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो फिर किसको बनाया जाए, इस बात को लेकर तमाम जो चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल कोई जो फैसला किया जाए, उसके लिए एक विश्वस्त लोगों को चुना जाना था। उसमें हरीश चौधरी और अजय माकन को चुना गया है और यही पंजाब चुनाव में आगे आज की जो बैठक है वही दशा और दिशा तय करेगी कांग्रेस। मनोहर, जिस तरह से हमने उत्तराखंड में बीजेपी ने चेहरा बदला, गुजरात की बात करें वहां पर चेहरा बदला, तो तमाम जगहों पर जिस तरह से बीजेपी जो है निर्भीक होकर इस तरह के फैसले ले रही, क्या ये भी वजह है कि कांग्रेस के भीतर भी अब मांग उठने लगी थी कि अगर कार्यकर्ता चाहते, अगर बाकी नेता चाहते हैं, तो इस तरह की संभावनाएं अगर बनती दिख रही हैं तो फैसला लिया जा सकता है, क्या ये भी एक वजह है? देखिए अभी ना, लगातार अगर शासन में कोई नेता रहता है, मंत्री रहता है, तो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जो हो जाती है उसको ठीक करने के लिए पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, मतभेद है, बुलाने के लिए जो गुस्सा अगर किसी नेता के प्रति हो, किसी खास व्यक्ति के प्रति हो, तो उसको कम करने के लिए और जनता में एक नया फेस जो है उनके लिए देने के लिए और एक आकर्षण पैदा करने के लिए पार्टी ये फैसले करते हैं, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए। हालांकि बीजेपी में फैसले करने की जो पावर है वो त्वरित है, वो प्रभावशाली है, क्योंकि तुरंत फैसले लेते हैं, कांग्रेस में जो चीज है वो असमंजस में होती है, फिर धीरे धीरे फैसले लेते हैं। और अभी जो जिस तरीके से कांग्रेस फैसले लेने का जो एक दौर शुरू हुआ है वो शायद कुछ निर्णायक स्थिति पहुंचे और कांग्रेस को फायदा दिला सके, इसी कवायद के तहत ये जो है इस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई गई और सीएम भी बदला जाए। मनोहर, का सवाल ये भी कि पंजाब और राजस्थान दोनों के जो हालात है कांग्रेस के भीतर, उसको एक ही पैमाने पर नापा जा रहा था, अगर अजय माकन की अगुवाई में वहां पर कोई बड़ा फैसला अगर होता है इस बैठक के बाद, तो क्या माना जाए उसका रिफ्लेक्शन जो है राजस्थान की सियासत में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का ये फैसला एक वजीर पेश करेगा और जिस तरीके से यहाँ पर फैसला किया जाएगा वो फैसले और राज्यों पर भी प्रभाव डालेगा और वहाँ के जो भी हुक्मरान है, वहाँ पर जो भी मौजूद नेता है, उनके लिए एक मैसेज भी होगा कि आलाकमान अब किस तरीके से फैसला कर रहा है, उनका मूड क्या है, तो वो उस हिसाब से वहाँ जो आलाकमान का मूड तय हो जाएगा और इस आज की बैठक काफी मैसेज देने वाली भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए।